हेलो फ्रेंड्स। और आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है एलिट्रेशन। यह एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसे हम लिटरेचर के आभूषण या ऑर्नामेंट्स कह सकते हैं। एलिट्रेशन शब्द लैटिन के लेटेरा शब्द से आया है जिसका मीन्स होता है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। इस डिवाइस में बहुत सारे शब्दों के पहले अक्षर एक जैसे होते हैं और उनके एक जैसे ही साउंड होते हैं जो बार बार एक के बाद एक आते जाते हैं, एक सीरीज में आते हैं, उसे ही हम एलिट्रेशन कहते हैं। और सिंपल शब्दों में अगर कहें तो वाक्यों की पुनरावृत्ति को ही एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बिग बली बीट्स ए बेबी बॉय। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बी वर्ड है वो इस सेंटेंस में कई वाक्यों में आया है जिससे इस सेंटेंस में कई बार बी का साउंड दोहराया गया है जिससे हम यहाँ पर एलिट्रेशन देख सकते हैं। एलिट्रेशन के बारे में हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो एलिट्रेशन है वो वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करती बल्कि वो वर्ड्स के साउंड पर डिपेंड करती है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, हम अपनी सामान्य ज़िंदगी में भी एलिट्रेशन का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपल, बेस्ट बॉय, कोका कोला, अमेरिकन एयरलाइंस, विलियम वर्ड्सवर्थ, मिकी माउस, लोइस लेन, मार्लिन मुनरो, डोनाल्ड डक, ये सब एलिट्रेशन के अच्छे उदाहरण हैं। एलिट्रेशन का प्रोज और पोएट्री में एक बेहतर यूज रहा है। ये डिवाइस पोएट्री में एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है जिससे पढ़ने वाले को आनंद आता है। ये डिवाइस रीडिंग को अट्रैक्टिव बना देती है और बच्चे एलिट्रेशन की वजह से कोई भी पोयम या कोई भी कविता मुंहज़बानी याद कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी एलिट्रेशन की डेफिनेशन। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही।